तो भाई फाइनली बारामती स्टेडियम मैं फर्स्ट टाइम देखो चाहे नीचे रखी हेलो गाइस जय माँ समले जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग सबके मोर जुहार आज हूँ आम ऑल इंडिया साइकिल यात्रार 8 नंबर दिन आम पहुँची जाइनु कल राति कटक के आम बाहरी अनुगुल रु कल बहुत राइड हो गला गाइस 120 एप्रोक्स किलोमीटर पल आसनु 120 कि 110 हो जा राति देखिपार अपडेट गोटे ये आलोक दार पेट सुखी गलान खुशी लगुच दादा पूरा जे हाँ ये टेंट देख गाड़ी थी दुईटा आई शुन अब खरा ही कर 8:30 होगलान आम नहीं बाहर बारे यहाँ महानदी साइड रे बहुत मजा लगला कल भल नींद भी पड़ला फाइनाली आम गाधी गुदा देनु आईटा बाहर छुईनु लगभग 8:30 होगलान तो यहाँ जीमा आम चार्ज करा हो गोटे मंदिर ने देखामी कैन चार्ज करा कैन जुगीचे आड़के जीमें बारा टेंट पाके पलि आसनु आम टेंट नहीं खोलवार देख दुईटा टेंट मस्त लगला पूरा आम कहूँ कल लास्ट ब्लॉग रे दिन बेला सीन के देखा बोल करते टेंट इटा हूँ आमर बाली यात्रा आसी फील्ड इन कि गाइस गाधवा लगे बहुत डर लगुचे देखु थो पैन पूरा ब्लाक दिशन आर एत गाढ़ा जेनी कह आन डुंगा मैंने भी चलीचे माँ मारे शायद आँच मैंने भी जम्प करुन पूरा अधिक आना वार्निंग बोर्ड दिखे पैन भितर के नहीं चाह टोटाली बोलिए आम इन एका गाधनु भाई डर लग्ला आम अच्छे यहाँ आमर बालीजात्रार पड़िया रे तो दाइटा सुज लगा टेंट खुलमा आमा फाइनाली भाई मुझे मैगी आनी कर आसली याद बनामा तो भाई देखी पार आम के इंजु मैगी 100 टकर के गोटे पार लगे खाली वन टाइम नदी साइड रहा कि बहुत मजा लगे धोबार अच्छे करबार अच्छे डायरेक्ट पैन मिल जा मैगी टी बनामु खाइमु आहरी मु बारवाटी भुवनेश्वर जीमा देख बादल पाक कर पूरा क्या दिशुचे से जान पवन हो पैनटा समुद्र भलिया हाँ जानी देख मैगी बनी गला गाइस खाने के लिए तैयार रहो भाई और बहनों देख लो हम चलते जा रहे हैं हमारी मंजिल की ओर सारी पैकिंग हो गई है सिर्फ मेरी बाकी है तो मैं करके चलता हूँ और आगे देखो मौसम कैसा हो रहा है लगता है कि बारिश आ सकती है तो चलते हैं कहीं मंदिर तो इधर से गेट देखो तो वो हमारा कटक बाली यात्रा है जेनटा वर्ल्ड फेमस अच्छे ऐतिहासिक बाली यात्रा मुख्य गेट और हे टाइम जेन मनाई थी और जानते हुए कितना सजा है किसी से और मोर साइकिल टेंट बैग प्रेशर भी सब ठीक अच्छे एक नंबर साथ दूसरे साइकिल यार क्या कटक शिव मंदिर दे तो यहाँ है बारावाटी स्टेडियम छक स्टेडियम देख दिशुचे तो भाई फाइनली एंट्री कर सारी छे बारावाटी स्टेडियम को फर्स्ट टाइम आई है देखमा तेल के एलाउ कर भी कहते कही नहीं पारे यदि है मतलब देखे देमी नहीं तो इन पलाम आके फाइनली भाई बारावाटी स्टेडियम बाहर है भाई मिली गला गेट अब आम देख पार्मू कि कही नहीं भाई देखू तो लाइटिंग ऐसी लाइट रिजन मैच लाइट सॉरी नाइट रिजन मैच ऐसी से लाइट देखो आगे देखी कमेंट कर देव मुझे तो फर्स्ट टाइम आज तो ये भाई के जन मिले आम कौन आम तो लक था स्टाडियम टा कि आमको एलाउ नहीं थे लक अच्छे तो कैन देखी पार्मू तो भाई के जन मिले क्वार्टर डायरेक्ट स्टाडियम फुल दिशी तो ग्लास लगी थी देखी देव बोन तो थैंक यू भाई चलो देखवा के
ओ भाई फर्स्ट टाइम लुक। तो भाई भाई मानकर लगे जा पार्मी ऊपर के आ देखवा यादे चारियो मा मुटी के देख लेलो तो काफी मस्त लगला आज की फर्स्ट टाइम देख जा मैं मैच पेस तो देखे नहीं तो के आशा भी नहीं तो देखे तो भी गाइस फोटो खींच ली तो फाइनली भाई ओहो हो देखि पड़ थो बारवाड़ी स्टेडियम भाई फाइनाली बारवाटी स्टेडियम मैं फर्स्ट टाइम देखु निजर आखि रियल रे देखो इन जन मैच हेसी फेब्रुआरी 9 तारीख रे अच्छे इंडिया और इंग्लैंड रो देखिया तो भाई देखो इन के क्लोज रे दिसु तो मैच हां मैच इतने ऊपर के इन जते प्लेयर मन आसन इन खाली इन देखसन मैच के देखो पा स्टेडियम रो प्लेयर रो देख पड़ो भाई फाइनाली पहुंची गनु आमे हमर बारेवाटी स्टेडियम कटक रो देखो केंदा अछे व्यू आ मैटा के किनी सोलार बोलतिली देखो आके सीट है वाओ एसन मौसम मॉनसून एंदा पूरा भुरी भुरी होउ छै देखु जमे सीन दा तो काफी शानदार लागु छै आ एटा प्लेयर मन को रूम है सब आ यार के देखो कटक वाह सब पानी अच्छे ना सब देखो हाँ यहाँ रास्ता है लाइट देखो लाइट जेन भाई मैंने आमको ये जगह देखा ले कि नहीं ताक रूम आड़ू जेन आसनु आसनु प्लेयर रूम रे थी जेनटा देखा नहीं मुझे आप के से भाई मैंने आईन केन्दूर रू खेलवार लगे तो देख के लोग मैंने भी साथ दौन तो बहुत खुशी लगसी तो चलो जी माँ तलके आम जी भुवनेश्वर के डायरेक्ट जल्दी इन अच्छे 30 किलोमीटर तो भाई फाइनाली आम स्टेडियम देखी देनु बहुत बढ़िया लगला और यहाँ जी आम भुवनेश्वर रूट रे आ देख वर्षा हो तो चलो जल्दी जेन्दार भी जी नहीं मैंने तो है नहीं आज भुवनेश्वर जी तो भाई देख हर के नदी और ब्रिज रखा तो इन आमको गोटे जगह मिली छे फोटो फोटो हेबार लगी आ देखवार लगी रिवर साइड देख पारु थे लंबा ब्रिज है वाओ देखो भाई तो भाई फाइनाली देख पार काठजोड़ी नदी आसीगला मतलब काठजोड़ी ब्रिज ऊपर रेल ब्रिज जाऊे आम जमा जीटा होता आम काठजोड़ी नदी फूल तो जीमा
ସେମାନେ ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍ ଆମର ପଜାଟା ଚାରିଟା ତ ସେମାନେ ପଛେ ରହିଗଲେ ଟିକେ ତ ସେନ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ ଭାତ ଆଉ ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଗକେ ପଳେଇନି ବୋଲେ ଆଗେ ଟିକେ ଭାତ ଖାଇଦେସି ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ହୋଟେଲ୍ରେ ଖାନା ଖଣି ଖାଇଦେଲି ସାଧା ଟିଫିନ୍ 70 ଟଙ୍କା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ କାଣା ଖାଇବ ଭାଇ ଖାଲି ଆଲୁ ନ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଇଆଡ଼େ ଆଇବାର ଲାଗି ହେଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ଆସିଲା ଆଉ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋବାଇଲ୍କେ ଚାର୍ଜ କରିଥିଲି ଏଇନ 30% ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଏବେ ମୋରଟା ଅଛି 80% ଭାଇ BMW ସୋରୁମ୍ ପହିଲା କରି ଦେଖ BMW କାର୍ ସୋରୁମ୍ ବାଇକ୍ ବି ଅଛେ ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ସୁଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଛାତ ଉପରକେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଭାଇ ଦେଖ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ କାର୍ ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ବେଞ୍ଚ ଭାଇ ଆମେ ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ ଚାର୍ଜ ଫାସ୍ କଲୁ ମୋବାଇଲ୍ ମାନକେ ଆଉ ଫ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଆଣିଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଥିବ 1 କିଲୋମିଟର ତ ଖାଲି ମିଠା ଦୋକାନ ଓନ୍ଲି ଓନ୍ଲି ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି ଆଉ ସନ୍ସେଟ୍ ଭିୟୁ ବି ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ୍କେ ଆଉ ଇନୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି 10 କିଲୋମିଟର ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କେନେ କ'ଣ ଯିବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ପଡ଼ବା ସେଥିରେ ଅଟକି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖୁ କେନେ ସୁବିଧା ହେବା ଆଉ ଯିବା ତ ଦେଖୁ କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିକରି ଭୋଗ ଲାଗିଲା ନା ତ କ'ଣ ଖାଇଦେଉ ତାପରେ ଯେ ବାକି ବିଚାର ଭାଇ ଏଇନ ସମସା ବଡ଼ା ଖାଇଦେଉଛି ଟିକେ ପଛେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁ ଭାଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆଗକେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକେ ଟିକେ ଆସିଲୁ ଆଉ ଇନ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ସହିତ ପଚରାସୁଁ କେତେ କାଣା ରେଟ୍ ନେଉଛେ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ନେଲେ ଆମେ 5 ଜଣ ଆରାମସେ ରହିପାରମୁ ତ ଦେଖୁଛେ ପଚାରି ଦେଖୁଛେ କେନ୍ତା କାଣା ହେଉଛି ଯେ ଆର୍ ଆମ ଟିମ୍ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ଯେ ତ ଭାଇ ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ତ ପଚାରିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକା ବାକି ଅନଲାଇନ୍ କରିକି ବୁକିଂ କରିବ ବେଲା ଲେକିନ୍ ପଇସା କେତେ କଲା ଜିନିଷ 3 ବେଡ୍ରୁମ୍କେ 700 ଟଙ୍କା ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ କେନ ଆଡ଼ୁ ହେଲା ଏଇଟା ସେ ଲଜ୍ ପଜ ଗୋଟେ ଘୋଷିତ କରିଦେବାର କଥା ବେକାର ଆମେ ଡର୍ମେଟ୍ରି ଦେଖୁଛୁ ୟାଦେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଟାଙ୍କି ଏକା ଶୋଇମା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚ୍।